हेलो एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज विच ट्रीटी वाज कंक्लूडेड बिटवीन द नवाब ऑफ अवध एंड रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। सो गाइस, बक्सर का जो युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, और इस युद्ध में इंडियन पावर्स की हार हुई, ठीक है, इंडियन रूलर्स क्या हो गए, डिफीट, उनकी हार हो गई, ठीक है, डिफीटेड बाई द ब्रिटिश फोर्स। अब जब इनकी हार हो गई तो इन डिफीटेड रूलर्स के साथ क्या करी गई, ट्रीटी की गई बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब किन किन लोगों की बात करेंगे, मीर कासिम की, अवध के नवाब की और मुगल बादशाह की। लेकिन मीर कासिम तो इस हार के बाद लगभग लगभग वो कहाँ चले गए उसके बारे में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो लगभग लगभग अज्ञात हो गए, ठीक है। देन दो लोगों के नाम आते हैं, एक तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, और दूसरे नाम आते हैं शुजाउद्दौला, जिन्होंने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। अब जो ट्रीटी हुई किसके साथ, नवाब ऑफ अवध के साथ, जिनका नाम क्या, शुजाउद्दौला। तो ये जो ट्रीटी हुई अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, इस ट्रीटी को क्या कहा जाता है, इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद की संधि, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।